चलिए स्टूडेंट्स, हमने सभी मेजर्स पढ़ लिए हैं, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा। तो अब सबको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, सभी मेजर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और पूरे मतलब डिस्पर्जन के एंगल से, मतलब ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूरे डिस्पर्जन चैप्टर के एंगल से है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चारों डिस्पर्जन के मेजर से, एब्सोल्यूट मेजर से मैं चारों को कंपेयर कर रहा हूं, फिर रिलेटिव मेजर पे बात में आते हैं। तो टाइप ऑफ डिस्पर्जन देखा जाए तो रेंज इज अ रफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, व्हाइल क्वार्टाइल डेविएशन इज पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन इज यस प्योर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बट स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन से इज अ परफेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो एक तो पॉइंट ये है कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने कंपेयर किया है कि कौन सी टाइप का मेजर है, रफ है, पोजिशनल, प्योर और परफेक्ट। सेकेंड पॉइंट एक हम कंपेयर करते हैं, मान के चले सिंपल एंड इजी, क्या ये मेजर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है? तो रेंज इज यस, सिंपल एंड इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। क्वार्टाइल डेविएशन उसके लिए भी मैं यस बोलूंगा, हाँ, लेकिन मीन डेविएशन नो, स्टैंडर्ड डेविएशन नो। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज जितना सिंपल है और क्वार्टर डेविएशन जितना सिंपल है और इजी है उतने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है चारों को कंपेयर करने के लिए। एक और पॉइंट देते हैं, समझ के चलो कि बेस्ड ऑन, मतलब ये जो भी मेजर है वो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है या कुछ ऑब्जर्वेशन पर। तो आप यहां सोच सकते हो कि बेस्ड ऑन नॉट ऑल ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन में हम बोल सकते कि बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन, मीन डेविएशन के लिए हम बोलेंगे कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो रेंज सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दो ही ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जो है उसी के बेस पर काम करता है। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 और Q1 दो वैल्यू लेते हैं, मतलब सेंटर के 50% ऑब्जर्वेशन जो है उसके बेस पर है, जबकि मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हम हर ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लेते बाद में ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो क्या फिर इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रेंज पर इसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, हाईएस्ट इफेक्ट, क्योंकि रेंज इज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चेंज कर देंगे तो रेंज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की रेंज पर हाईएस्ट इफेक्ट होगी। क्वार्टाइल डेविएशन की पर तो क्योंकि वो तो एक्सट्रीम को देखते हैं कि ये मीडियन के 50% पर बेस्ड है तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। हाँ, मीन डेविएशन पर इफेक्ट होगी, हाईएस्ट रेंज पर है उतनी नहीं होगी लेकिन इफेक्ट तो होगी। ओके, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की इफेक्ट होगी, यस, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट नहीं लेकिन हाँ होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी इसकी इफेक्ट होगी, तो मैं यस लिख रहा हूं। हाईएस्ट इफेक्ट कहां पर होगी? रेंज पर। क्वार्टाइल डेविएशन पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, ये तो एक्सट्रीम रेंज पर बहुत इफेक्ट होगी, पूरी रेंज पर बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, और ये मॉडरेट है लेकिन इफेक्ट तो इस पर भी होती है। अब दूसरा एक पॉइंट है कि क्या कोई भी मेजर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो सूटेबल हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और काम भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो सुटेबल फॉर फर्दर एलिजिबिलिटी ट्रीटमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें मैं बता दूं कि रेंज इज नॉट दैट मच सुटेबल। हाँ, वो तो रफ मेजर है तो इतना सुटेबल नहीं है, तो सुटेबल है तो मैं बोलूंगा कि नॉट सुटेबल।
quartile deviation is also not suitable for further algebraic treatment. Mean deviation is also not suitable for further algebraic treatment. हाँ, standard deviation is yes suitable है और perfectly suitable है. तो perfectly suitable है further algebraic treatment के लिए standard deviation, क्योंकि standard deviation mathematically बिल्कुल भी weak measure नहीं है. तो ये चारों का जो comparison है उसमें कुछ अलग अलग चीजें बनती है कि इसमें कुछ अलग होगा तो इसमें कुछ अलग होगा, लेकिन ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो सिमिलरिटी देते हैं, मतलब चारों ये दो पॉइंट पर कॉमन बिहेवियर रखते हैं. जैसे कि चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रेंज, क्यूडी, एमडी एंड एसडी चारों के चारों मेजर, मतलब ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, सभी इंडिपेंडेंट. हाँ, और चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो चारों के चारों चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंडेंट है. इस पर मैं सेपरेट भी एक नोट लिखवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी ये लेके चलते हैं. तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ऑफ कोर्स मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल. सपोज कभी कभी आपके पास ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो क्या ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से रेंज निकल सकते? रेंज तो हाईएस्ट और लोएस्ट पर बेस है, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं होता है ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में. तो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज इज नॉट सुटेबल और एप्रोप्रिएट मेजर. क्वार्टाइल डेविएशन इज मोस्ट सुटेबल और एप्रोप्रिएट मेजर. और इतना ही, क्वार्टाइल डेविएशन इज द ओनली सुटेबल मेजर, ऐसा मैं बोल सकता हूं. मीन डेविएशन इज नॉट सुटेबल. हाँ, आप ओपन एंडेड क्लास की क्लोज कर दो तो मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, अनलेस क्लोज आफ्टर सम एजम्पशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी ऐसा ही है, नॉट सूटेबल. तो ये चारों को एक साथ हमने कंपेयर किया है और इससे कई सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे. एक काम कीजिए, पहले तो ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा. ठीक है, चलिए अभी पूरे चैप्टर के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स है जो मैं सम अप करके आपको दे रहा हूं. हो सकता है कि इसका मैंने डिस्कशन थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमने कर लिया हो, लेकिन यहां उसको कंपाइल करके एक बार फिर से देख सकते हैं. और कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे शायद हमने डिस्कस ना भी किए. तो जनरल पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला मैं पॉइंट बोलूंगा कि डिस्पर्सन हम क्यों मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों निकालते हैं, डिस्पर्सन की क्या जरूरत है. तो हम लिख सकते हैं कि डिस्पर्सन इज द टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, और यू कैन से सेंट्रल टेंडेंसी. एवरेज की रिलायबिलिटी का टेस्ट डिस्पर्सन है, और एवरेज पर कितना ज्यादा भरोसा करें या कितना कम भरोसा करें वो डिपेंड करता है डिस्पर्सन पर.
जहां डिस्पर्जन ज्यादा होगा वहां एवरेज की रिलायबिलिटी कम होगी, और जहां डिस्पर्जन कम होगा वहां एवरेज की रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्जन इज द टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज, याद करो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज से हर ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो सेकेंड पॉइंट में ऐसा लिखता हूं कि डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर एवरेज। तो डिस्पर्जन इज सेकेंड ऑर्डर एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी इज फर्स्ट ऑर्डर एवरेज, जबकि डिस्पर्जन जो है वो सेकेंड ऑर्डर एवरेज है। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मतलब एब्सोल्यूट मेजर की बात हो रही है, ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रेंज क्यूडी एमडी एसडी सभी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर की बात कर रहे हैं। ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। सर ये ओरिजिन क्या है, स्केल क्या है, ये सबको पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूं कि आप ऑब्जर्वेशन में से किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड या लेस करते हो, मतलब प्लस माइनस करते हो कांस्टेंट नंबर, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और सभी ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। इसका ये मतलब है कि आपने ओरिजिन को चेंज किया है तो मेजर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपका है वो हर ऑब्जर्वेशन में आपने 10 वैल्यू बढ़ा दी, मतलब x की वैल्यू जो थी वो नए ऑब्जर्वेशन, y की वैल्यू जो है वो x प्लस 10 है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि नए ऑब्जर्वेशन y का जो रेंज है, सपोज मैं उसको रेंज ऑफ y बोलूं, वो वही होगा जो पहले रेंज ऑफ x था, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन 10 बढ़ गया है तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी 10 ज्यादा होगा और हाईएस्ट भी 10 ज्यादा होगा, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, जो पहले रेंज था वही बाद में भी रेंज रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ प्लस किया है या माइनस भी करो तो, मतलब इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और नॉट ओनली फॉर रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी के लिए रूल एप्लीकेबल है कि ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन सपोज आपने ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, हर ऑब्जर्वेशन को, मान लो कि x को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो लोएस्ट वैल्यू जो होगी, मान के चलो कि लोएस्ट वैल्यू 10 है ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन x की, और हाईएस्ट वैल्यू 18 है, तो x रेंज क्या होगा, आप बोलोगे सर 18 माइनस 10 मतलब 8। अब हर ऑब्जर्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो नया ऑब्जर्वेशन जो y है, y में लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा, मतलब xh की बजाय yh, और yl की बात करें
तो हाईएस्ट वैल्यू वाई की और लोएस्ट वैल्यू वाई की क्या होगी? हर ऑब्जर्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो y इज इक्वल टू x इंटू 3, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 18 है, 18 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y सीरीज में हाईएस्ट 54 होगा, और लोएस्ट वैल्यू 10 है तो 10 भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लोएस्ट वैल्यू y सीरीज में हो जाएगा 30। तो अब आपका Rx जो है वो 18 माइनस 10 है, लेकिन Ry मतलब y सीरीज में देखा जाए तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करें तो 54 माइनस 30, और आप चेक कर सकते हो 54 माइनस 30 मतलब 24 हुआ। इसका ये मतलब है कि ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो Ry जो है वो पुराना जो R था x उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्टली आप मैच कर पाओगे। तो पुराना Rx कितना था? 8 था, तो 8 इंटू 3 ये 24 आना चाहिए, जो मैंने कैलकुलेट करके भी आपको बताया कि 24 ही है। इसका ये मतलब है कि आप स्केल का चेंजेस करोगे और जितना स्केल होगा उतना इफेक्ट आएगा, तो इसका ये मतलब है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन चेंज किया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और मैंने एग्जांपल सिर्फ रेंज का दिया है, बट दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल मेजर्स, सिर्फ रेंज नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी पे अप्लाई होता है, और सभी पे अप्लाई होता है। तो मैं सब बोल सकता हूं कि ओरिजिन में आप चेंज करो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेंज, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कभी चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे जो नए वेरिएबल के लिए होंगे। लेकिन आपने स्केल का चेंज किया है, ओरिजिन का नहीं स्केल का चेंज किया है, तो जो नया रेंज या नया क्वार्टाइल डेविएशन या नया मीन डेविएशन है वो उतना चेंज होगा जितना ऑब्जर्वेशन आपने चेंज किया है। मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो डिस्पर्सन के मेजर पर इंपैक्ट होता है, लेकिन एड या लेस करते हो मतलब हर ऑब्जर्वेशन में किसी कॉन्स्टेंट नंबर को, तो उसका कोई भी इंपैक्ट डिस्पर्सन के मेजर पर नहीं होता। इतना ही नहीं, एक और पॉइंट है इसके साथ कि सपोज मैं y इज इक्वल टू x इंटू 3 के बजाय x इंटू माइनस 3 हो तो सर, तो क्या नया रेंज y का पुराना रेंज इंटू माइनस 3 हो सकता है? नहीं हो सकता सर। अभी तो बोला वो डिपेंडेंट है, हाँ बराबर है, लेकिन रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का क्या डिफरेंस। अब आप वो रेंज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेंज क्या कोई भी डिस्पर्सन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केल चेंज कर रहे हो, लेकिन स्केल फैक्टर जो माइनस 3 है नेगेटिव है, तो भी नया जो रेंज मिलेगा या नया मेजर मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका ये मतलब है कि इसका आंसर भी 3 इंटू Rx ही होगा, मतलब नेगेटिव 3 है तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्यों? डिस्पर्सन का कोई भी मेजर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट यहां पर ये भी है कि डिस्पर्सन का कोई भी मेजर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, नो मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन बी नेगेटिव। हाँ वो जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वो हिसाब से देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा इसी थर्ड नंबर में थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं वो पॉइंट को ध्यान में लेते हुए, फोर्थ के वाले पॉइंट को, कि लेट y is equal to a plus bx। इसका मतलब है x को मैंने b से मल्टीप्लाई किया है और a ऐड किया हुआ है। ये जो ऐड किया है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और जो b से मल्टीप्लाई किया है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। मैंने चेंज ऑफ स्केल भी किया है और चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया है,
तो x का स्केल भी चेंज किया और ओरिजिन भी चेंज किया, तब जाके मुझे एक नया वेरिएबल y मिला है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप में आ गया। अच्छा, जो मैंने चेंज किया हुआ है उसके फैक्टर्स कौन से हैं? तो आप बोलोगे a ओरिजिन का फैक्टर है और b स्केल फैक्टर है। ओरिजिन फैक्टर कौन सा है? a। और स्केल फैक्टर कौन सा है? b। तो नया वेरिएबल जो है उसका रेंज कितना होगा, मतलब रेंज ऑफ y क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जो रेंज ऑफ x है, ठीक है, उसमें क्या चेंज होगा, तो मैं क्लियर कट बता दूं कि ओरिजिन फैक्टर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, मतलब स्केल फैक्टर का इंपैक्ट होगा। तो ए को भूल जाओ, एक्स को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया है, तो रेंज ऑफ एक्स को भी मुझे बी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके रेंज ऑफ वाई भी मुझे मिल जाएगा। तो रेंज ऑफ वाई इज सिर्फ स्केल फैक्टर बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। लेकिन इतना ही नहीं है, बी पॉजिटिव हो तो बी, बी नेगेटिव हो तो भी बी, नहीं नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव भी लेना है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मॉड्यूलस पे रख दूं, मतलब वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3x है, तो रेंज ऑफ y हो जाएगा, 2 को तो देखना ही नहीं, 3 इंटू रेंज ऑफ x। अच्छा, सपोज ये 2 माइनस 3x होता तो ऐसा होता कि रेंज ऑफ y इज माइनस 3 इंटू रेंज ऑफ x, नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब मैं इसकी वजह से इसको मॉड्यूलस में, मतलब b फैक्टर प्लस हो या माइनस हो मैं मॉड्यूलस में रखूंगा, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि माइनस हो तो माइनस 3 लेंगे, फाइनल आंसर तो 3 इंटू आर एक्स ही होगा, और प्लस हो तो भी आप बोल सकते हो कि 3 इंटू आर एक्स ही होगा। तो मैंने पहले से ही बता दिया कि ये b की साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम तो पॉजिटिव ही लेंगे, इसका ये मतलब है कि मॉड्यूलस बी रखेंगे। तो रेंज ऑफ y इज मॉड्यूलस बी इंटू रेंज ऑफ x। सेम वे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस बी इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। मीन डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इस तरीके से जाएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट था, ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मान के चलो कि y इज a प्लस बी एक्स, तो रेंज ऑफ y इज मॉड्यूलस b, a को तो भूल जाओ, मॉड्यूलस b इंटू रेंज ऑफ x। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y मॉड्यूलस b इंटू रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इस तरीके से काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट, नो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन बी नेगेटिव, और उसी की वजह से ही हमने ये काम किया है कि भाई ये मॉड्यूलस में रखा हुआ है। कुछ और मेजर्स भी समझ लेते हैं, और पॉइंट भी देख लेते हैं। ऑल एब्सोल्यूट मेजर्स आर नॉट यूनिट फ्री, बट ऑल रिलेटिव मेजर्स आर फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजर।
इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट मेजर जो है उसमें यूनिट मेंटेन करना है. मतलब क्वेश्चन में सपोज केजी का है, डिस्ट्रीब्यूशन में केजी मतलब वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी है, तो आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्सन जो होगा मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज या मीन डेविएशन, उसका भी यूनिट केजी रहेगा. लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अब जब निकाल मतलब रिलेटिव मेजर निकालते हो तो उसमें कोई यूनिट नहीं होता. केजी है तो केजी मेंटेन नहीं करेगा, कोई यूनिट ही नहीं होता, इट इज यूनिट फ्री मेजर. और मैंने आपको बताया है कि जहां जहां वर्ड कोएफिशिएंट आएगा वो सब यूनिट फ्री मेजर्स होंगे. काम क्या है, दो यूनिट रिलेटिव मेजर कंपैरिजन के लिए यूजफुल है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिलेटिव मेजर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द डेटा कि भाई कौन किसमें ज्यादा और किसमें कम डिस्पर्सन है. तो फॉर कंपेरिजन ऑफ डेटा, फॉर कंपेरिजन regarding variations relative measures are applied. उसमें हमेशा हम relative measure comparison के लिए. अब एक simple सा point है, ये note ध्यान से रखिएगा, जिसको मैं सेंट्रल टेंडेंसी के साथ भी कंपेयर करूंगा. फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और अ सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन, फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और सीरीज ऑफ सेम, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन है सेवन, या ऐसा मान के चलो सेवन 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 ऐसे दस ऑब्जर्वेशन है लेकिन सेम ऑब्जर्वेशन है, सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन. एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ. मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन है सेवन तो उसका मीन मीडियन मोड कुछ भी हो वो सेवन ही होगा. सेवन 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 ऐसे दस ऑब्जर्वेशन है जिसको बोलते सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन, तो भी उसका सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर मीन मीडियन मोड सेवन ही होगा. तो एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ एंड any measure of dispersion is always zero. सर ये कैसे, बिल्कुल सीधी बात है. dispersion का मतलब क्या है, range की बात करें पहले तो range मतलब highest और lowest, एक ही observation तो वही highest वही lowest. हाँ सेम ऑब्जर्वेशन है सेवन 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 तो हाईएस्ट और लोएस्ट एक ही है तो रेंज जीरो आएगा. रेंज छोड़ो क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्यू थ्री और क्यू वन एक ही ऑब्जर्वेशन है तो सेवन है तो डिस्पर्सन तो आया नहीं. डिस्पर्सन मतलब डिस्टेंस, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन खुद से तो डिस्टेंस पर है ही नहीं, वही जगह पर है तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो डिस्पर्सन जीरो हो गया. जैसे कि वो स्विमिंग पूल का हमने एग्जाम्पल लिया था कि 3.5 फीट डेप्थ है, हर जगह पर 3.5 है तो एवरेज और वैल्यू के बीच कोई गैप ही नहीं रहा, जीरो डिस्पर्सन. ठीक है, ऐसा ही मान के चलो मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, एनी मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एनी मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज ऑलवेज जीरो. सेंट्रल टेंडेंसी है तो ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ और डिस्पर्सन है तो वो जीरो है. तो मुझे लगता है कि ये पूरे चैप्टर का कॉमन डिस्कशन जो था वो हमने यहां पर कवर कर लिया है. ठीक है, अब इसके बेस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मैं ये सेशन यहां पर खत्म करता हूं. थैंक यू वेरी मच.